देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो ये शांतिप्रिय प्रदेश है। इस तरह की पर्टिकुलरली संप्रदाय विशेष के माध्यम से कोई इस तरह की टेंशन वाला विषय नहीं था, लेकिन हालात उस दिशा में इस प्रकार से बढ़ रहे हैं और जो अभी हाल ही में जो घटना हुई उसके कारण हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। सरकार समय रहते कोई काम करती नहीं। स्ट्रीट वेंडर की अगर आप बात कर रहे हैं, हमने पॉलिसी लाई, हमने ये तय किया कि जो भी स्ट्रीट वेंडर यहां पर काम करना चाहता करे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और उसके साथ उसके रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 20 महीने हो गए, लेकिन 20 महीने से यह काम क्यों बंद किया हुआ है? गलियां भर गई ऐसे लोगों से जिनके बारे में हमको मालूम ही नहीं है, कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या मतलब क्या इनका बैकग्राउंड है, कोई पता नहीं है। और उसके कारण हालात ये बने हैं। और जो कल जो कॉल दी गई है, अगर इसके लिए मैं सही मायने में अगर कोई जिम्मेवार है तो वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सब लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भावनाओं के चलते जो है किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना हो जाए जिसके कारण कानून व्यवस्था खराब हो और किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो। मस्जिद के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे आपने असेंबली में कहा, इसको सामान्य केस की तरह नहीं देखना चाहिए। तो मेरा कहने का बड़ा सीधा सा है, जैसे ही मालूम पड़ा कि पहले मंत्री ने इनके एक जवाब दिया विधानसभा के अंदर भी मामला उनने उठाया, उनने कहा कि ये इलीगल है, अनऑथराइज है, और उनने बहुत सारी बातें कही थी। मैं उन सारी बातों का क्या जिक्र करूं। उनने कहा कि भी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए यहां पर, ये बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंगी आ रहे हैं, तो ऐसी बातों को लेकर के उन्होंने जब जिक्र किया तो ये मामला ऊपर तक पहुंच गया कांग्रेस पार्टी में, और ऊपर से सीधी डांट पड़ गई कि मंत्रिमंडल से हटा दो ऐसी बात करके। और अपने इलाके से संबंधित उन्होंने कोई मसला इस प्रकार का उठाया है और जिसमें हकीकत है, सच्चाई है, तो आंखें तो बंद नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद आज मैं देख रहा हूं दबाव में मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं और वो मंत्री भी कुछ और तरह से बोल रहे हैं, ये सचमुच में बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन जो मैंने इस बात को आज विधानसभा के अंदर कहा, इसका जिक्र मैंने विशेष तौर से किया, इसलिए किया कि अब मुख्यमंत्री और मंत्री लोग सरकार की ओर से इस प्रकार से इस बात को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के हजारों मामले हिमाचल प्रदेश में लंबित है। हमने कहा हजारों मामले लंबित है, वो इंडिविजुअल होंगे उनके, और ये केस जो है जन भावनाओं से जुड़ गया है, अब इसको उस तरह से उनके साथ मत मिलाइए, उसको अलग तरह से आपको देखना होगा और अलग तरह से डील करना होगा। इसको बिल्कुल बीच में वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी जगह भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, इस तरह से वो इसको एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले को अलग से देखना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई भी जल्दी करनी चाहिए।